ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर से अब खबर है, पटाखों के कारखाने में आग का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की यहां पर झुलसने से मौत हुई है। मृतक का शव बाहर निकालने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया और भारी संख्या में यहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है, मौजूद है। सुभाष चौक स्थित पटाखों के कारखाने में ये आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटाखों के कारखानों में आग लगने का मामला सामने आया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? आप वहां मौजूद हैं, किस प्रकार की, कितनी भयानक आग यहां पर लगी है और साथ ही फिलहाल क्या इंतजाम है वहां पर? जी मनीषा, सुभाष चौक के अंदर जो बिरधीचंद की जो गली है यहाँ पे जो एक बड़ी आग लगी है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये 3 मंजिला इमारत है जहाँ पे एक ये बड़ी आग लगी है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि करीब ये दोपहर 2 बजे की घटना है। यहाँ पे जिस समय आग लगी उस समय बताया जा रहा है कि पटाखों के गोदाम में एक वर्कर है जो अंदर था। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि करीब 2-3 और भी लोग थे जो आग लगने के बाद में यहाँ से चले गए। और जब यहाँ पे उसके बाद में सुभाष चौक जो पुलिस है यहाँ पे मौके पर पहुंची, इसके बाद में यहाँ पे लोगों ने जो है दमकल को भी इस मामले में इन्फॉर्मेशन किया और दमकल की गाड़ियां यहां पे मौके पे पहुंची। इसके बाद में यहां पे फटाकों के जो गोदाम हैं तो इसके अंदर जो है करीब आधा दर्जन जो दमकलों की सहायता से यहां पे आग पे काबू पाया गया। और अब तक जो है लगातार जो यहां पे रेस्क्यू टीम है नगर निगम की है और साथ ही साथ पुलिस जो कर्मी है, तो इसमें आग पे काबू पाने के साथ साथ जो अंदर अभी व्यक्ति की डेड बॉडी है वो अभी तक अंदर मौजूद है, तो उसको निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जो है तो डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सका है। साथ ही साथ अब FSL की जो टीम है वो भी मौके पर आ चुकी है, तो अब वो जो है इस मामले में जो है साक्ष्य है वो जुटाने का प्रयास करेंगे। और लगातार जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिस का भारी जाप्ता है यहाँ पे तैनात है। जो सुभाष चौक के यहाँ पे थाना अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है इस समय, और तमाम जो और भी अधिकारी है RPS अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्कर है, तो अभी तक ये लगभग 2 घंटे से ज्यादा इस मामले को बीत चुके हैं और जो डेड बॉडी है वो अंदर है और अभी तक डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सका है। साथ ही साथ जो अधिकारियों का यह भी मानना है कि अभी इसके अंदर और भी कोई जैसे वर्कर शामिल है या नहीं है तो इसको भी एक देखा जाएगा, क्योंकि अंदर और भी कोई डेड बॉडी होगी तो उसको भी निकाला जाएगा। अभी तक जो आग लगने के कारण है वो फिलहाल सामने नहीं आ सके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बिल्डिंग है तो ये 3 मंजिला जो इमारत है तो यहाँ पे ऊपर भी जो है 2 मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। आग लगने के बाद में तमाम जो बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। साथ में यहाँ पे बिजली विभाग की टीम है वो भी मौके पर आ चुकी है और बिजली विभाग की टीम ने तमाम जो आसपास के कनेक्शन जिस तरीके से जो केबल जा रही है ऊपर से तो उसको हटा दिया है, काट दिया है, क्योंकि एहतियात पूरी तरीके से बरते जा रहे हैं और कोई दूसरा हादसा इससे न हो। और हमारे साथ में जो मौके पे पुलिस अधिकारी इस समय मौजूद है, हम उनसे इस समय इनसे बात करेंगे कि इस मामले में इनका क्या, जिस तरीके से जो हादसा हुआ है तो इसको लेकर ये क्या बता रहे हैं? जी सर, जो हादसा हुआ है सर, आग लगी है, किन कारणों से लगी है आग? के कारणों की अभी जाँच की जा रही है जी, किन वजह से ये आग लगी है। अब अंदर जो आग लगी है उससे अंदर दम घुटने से जो मजदूर मरा है उसके भी कारणों के कि अंदर किस तरह से काम कर रहा था या कोई कुछ बीड़ी सिगरेट पीने से हुआ है या कोई इस लाइट की वजह से हुआ है, इसकी सब के संबंध में FSL टीम बुला करके उसकी जांच करवाई जा रही है जी। घटना के समय और भी बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद थे तो उनको किस तरीके से आपने बचाया? वो उनका अलग से गेट था, उनको सर्वप्रथम उन्हीं को बचाया जो किराएदार ऊपर रह रहे थे, उनको एहतियात दूसरे गेट से निकाल करके साइड में किया, उसके बाद में ये इधर आग बुझ गई। कितनी दमकलों की सहायता से जिस तरीके से आपने जो बताया है कि काबू पाया है इन्होंने और लोगों को इन्होंने यहाँ पे बचाया है, और साथ ही साथ पुलिस टीम अभी यहाँ पे यह भी प्रयास कर रही है कि जो एक जो बॉडी है डेड बॉडी है उसको निकालने के तमाम प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जी मनीषा, मनीष एक सवाल यहाँ पर, देखिए जैसा आपने बताया 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो डेड बॉडी है वो अंदर ही है, क्या परेशानी सामने आ रही है? 2 घंटे बीत चुके हैं, अंदर जब जाएंगे तो और भी, जिस तरीके से आपने कहा कि और नुकसान होने की भी आशंका वहां पर हो सकती है, अभी तक एक ही आदमी की पुष्टि हुई है कि उस आदमी की मौत वहां पर हुई है झुलसने से, क्या जानकारी अभी? जी मनीषा, ये आग एक तरीके से विस्तृत रूप से बड़ी आग लगी थी, तो यहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत के अंदर जो दमकलों ने आग पे काबू पाया तो उसके बाद में भी जो है अंदर जो एक के बाद एक कमरे जो दूसरे कमरे थे उसके अंदर भी आग जो है लगी हुई थी, तो पुलिसकर्मी ने यहाँ पे जो गेट तोड़ के अंदर जो एंट्री की, दूसरे जो कमरे थे अंदर उनमें जाने का प्रयास किया, तो फिर अंदर जिस तरीके से आग का भले ही आग बुझ गई लेकिन जो आग की जो तपिश है वो अभी भी अंदर मौजूद बरकरार है, तो जो तमाम जो सामान है अंदर जिस तरीके से कूलर पंखे या और भी जिस तरीके से आग का जो गोदाम है, ये सॉरी जो फटाखों का गोदाम है, जो सारे फटाखों को बाहर निकाला गया है, तो अंदर
अंदर देख के सामान को हटा के बार बार देखा जा रहा है कि और कोई व्यक्ति या और कोई डेड बॉडी तो अंदर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो एक डेड बॉडी है उसको अंदर देख लिया गया है, उसको निकालने के यहाँ पे प्रयास किया जा रहे हैं। और अब FSL जो टीम है वो अंदर जा रही है। मैं आपको बता दूं FSL टीम इस समय अंदर जो है रूम के अंदर जाने के जो है प्रयास कर रही है। और FSL टीम जो अंदर जाने के बाद में जिस तरीके से जो डेड बॉडी है वहाँ पे जाके जो है तो साक्ष्य इसके जुटाएंगे किस तरीके से जो है ये हादसा हुआ है और इसके कारण जो है उसके बाद में जो हादसा जिस तरीके से हुआ है फिलहाल इसके कोई कारण जो है सामने नहीं आ सके हैं। ये पूरे कारण है तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है अभी इस मामले की जो है होने के बाद में ही जो इसके कारण सामने आ पाएंगे। जी मनीष, जिस प्रकार से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं FSL की टीम अंदर जाने का प्रयास वहां पर भरपूर कर रही है, ग्राउंड फ्लोर पर ये आग लगी। जी मनीषा, ये ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फटाकों का गोदाम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, क्योंकि ये 3 मंजिला इमारत है। जो शुरुआत के अंदर नीचे ही नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है इसके अंदर जो फटाकों का गोदाम है, इसके साथ जो 2 मंजिला ऊपर है वहाँ पे इसमें किराएदार रहते हैं। और किराएदार जो है वो शुरुआत के अंदर जिस तरीके से आग लगी तो 2री मंजिल पे जो किराएदार है वो नीचे आए, और नीचे आने के बाद में उन्होंने इस मामले में जिस तरीके से अपनी फैमिली को यहाँ पे बचाया। और उसके बाद में जो 3री मंजिल पे जो किराएदार रहते थे वो दूसरी जो बगल वाली छत थी पास वाली उसके ऊपर जाके उन्होंने अपने आप को बचाया। साथ ही साथ जब यहाँ पे पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो इन्होंने जो दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो लोग रहते हैं इनके जो घर के अंदर जो सिलेंडर है इनको बाहर निकाले और जो किराएदारों को इनको बाहर निकालकर इनको बचाया। जी जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए जिस प्रकार से तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। FSL की टीम भी वहां पर बिल्कुल भरपूर प्रयास कर रही है ताकि अंदर जाया जा सके और जो डेड बॉडी है उसे निकाला जा सके, क्योंकि 2 घंटे का समय बीत चुका है और आग क्योंकि लगी तो ऐसे में तपिश जो है वो वहां पर है और ऐसे में अंदर जाना भी बहुत मुश्किल का काम है। खतरे से खाली वो भी नहीं है क्योंकि वहां पर अभी भी तपिश है और लगातार कोशिशें वहां पर की जा रही हैं और साथ ही फिलहाल जांच हो रही है पूरे मामले की, आखिर क्या कारण रहा उसको भी ढूंढने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं।